हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम टू न्यू इंडियन एरा। माय नेम इज प्रशांत। तो गाइस, बहुत से बच्चों को ना क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन बैंक ये चाहिए था। क्वेश्चन बैंक तो सबको मिल गया होगा, पर क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन चाहिए था। तो गाइस यार देखो, एक बात बताता हूँ कि मैंने बोला था कि मैं सारे क्वेश्चन बैंक के लाइव में करवा के दूंगा। तो आपने देखा भी होगा कि जितने न्यूमेरिकल वाले पार्ट है उनको मैं समझा के और बाकी टीचर से प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। फिर आपने ये भी देखा होगा कि जो केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री का भी मैंने सारी चीजें आप लोग को ऑलरेडी प्रोवाइड करवा के दे रहा हूँ, ठीक है। सब कुछ तुम्हें आपसे अभी मिल रहा है, बट जो थियोरेटिकल चीजें हैं, एमसीक्यू चीजें हैं, वो सब कुछ आपको किधर से मिलेगा? कुछों का आंसर तो ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक में दिया है, बट बाकी चीजें कहाँ से मिलेंगी, कैसे मिलेंगी? क्लास टेंथ के बच्चों को मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इन सब क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन किधर मिलेगा, ठीक है, और कौन देगा, कहाँ पे मिलेगा? तो गाइज ये पूरा वीडियो आप लोग देख लो, आपको प्रॉपर तरीके से पूरा सॉल्यूशन दे दूंगा। बहुत से बच्चों को तो ये तरीका पता होगा, बट नहीं पता होगा, स्टिल मैं उन्हें भी बता देता हूँ, ठीक है। सो गाइज मैं आपको बता दूं कि सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो यू ऑलरेडी नो कि माय नेम इज प्रशांत एंड यू आर वाचिंग न्यू इंडियन एरा। चलिए शुरू करते हैं गाइज। इस टाइम पे स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि इस टाइम पे ना ज्यादा मोबाइल इधर उधर आप लोग यूज करते हो, ठीक है, तो इस वजह से ना ज्यादा टेंशन होता है और स्ट्रेस भी फैलता है। जानकारियां कम, जो सही चीजें हैं उन्हें आप लोग कम लेते हो, और जो नहीं चाहिए वो आप ज्यादा लेते हो, ठीक है। फिर रात रात में भी आप लोग ज्यादा फोन का इस्तेमाल करते हो, जिस वजह से ना आपकी नींद पूरी नहीं होती, और फिर जब आप पढ़ने बैठते हो तो फिर आपको पढ़ाई के टाइम पे नींद आती है, और ऐसा करते हो ना इसी वजह से यार आपको पढ़ाई के टाइम पे सोने आता है, नींद आने लगती है, और जिस वजह से आपका प्रॉपर ऐसे अच्छे से नींद पूरी नहीं होती, ठीक है। तो इससे अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर ना आप लोग मोबाइल यूज ही करते हो तो इससे बेटर ना आप इस्तेमाल करो कुछ अच्छा पाने के लिए, कुछ अच्छा अचीव करने के लिए। तो गाइज मैं आप सबको बता दूं कि आप सभी लोग ना, अगर आपका इंटरेस्ट कोडिंग में है या फिर सॉफ्टवेयर में है, या फिर इन फ्यूचर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी है, या कंप्यूटर साइंस करना है, जावा, पाइथन, C++, HTML एंड ऑल ये सारे चीजों को अगर आपको करना है, तो आप लोग ना यार गीक्स फॉर गीक्स यहां पर जाके आप लोग एक बहुत अच्छा सा टूर्नामेंट आया है। इस टूर्नामेंट में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो, बाय विजार्ड स्कूल कोडिंग टूर्नामेंट 2.0 ये है, और इसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो गाइस, और फ्रीली पार्टिसिपेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं, फ्रीली है। इसमें क्या होने वाला, 90 मिनट्स का टेस्ट होगी आपकी, आपको दो कोडिंग क्वेश्चन होंगे और 20 क्विज के क्वेश्चन होंगे। इसकी स्टडी भी आपको इन्हीं की वेबसाइट में प्रॉपर तरीके से कराई जाएगी, ठीक है। मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप इसमें विन करते हो तो गेमिंग लैपटॉप, आईपैड एयर, बॉस हेडफोन, टेबलेट्स एंड स्मार्ट बैंड सब कुछ आपको मिलेगा एज अ प्राइज गिफ्ट, ओके। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। मैं गाइस आप सबको बता दूं कि आप लोग यहाँ पे 200 मार्क्स का पेपर होगा और 20 क्वेश्चन आपको रहने वाले हैं। तो गाइस अगर ना आप लोग इसको इसमें पार्टिसिपेट करते हो, एग्जैक्टली कैसे करोगे, बहुत कम दिन गाइस आपके सामने बाकी है, बहुत कम दिन बचा है, 3-4 दिन बचे हैं। 26 फरवरी को ये टेस्ट होगी, और आप लोगों को अगर पार्टिसिपेट करना है तो गाइस ना आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, उस लिंक में क्लिक करके आप लोग जाओ और सब बच्चे पार्टिसिपेट करो, फ्रीली पार्टिसिपेशन है। और ना आपको बता दूं कि इससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, क्योंकि इससे आप बहुत अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो ठीक है, बट कोडिंग दुनिया का फ्यूचर है, गेमिंग एंड ऑल बहुत कुछ है इसमें। अब जाओ कोडिंग करो, मस्त सीखो, थोड़ा बहुत तो आपको नॉलेज आइडिया मिलेगा कि आखिर होती कैसी चीजें हैं, ठीक है, बहुत कुछ आपको मालूम पड़ेगा। तो जाओ फटाफट देखो। अब बात करते हैं क्वेश्चन बैंक की यार। तो जो क्वेश्चन बैंक है ना यार, आप लोग इसकी प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन तो कर रहे हो, क्योंकि भाई ये सही बात है कि 50-60% 60-70% क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आने वाले। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा कि टोटल सारे क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक से आएंगे, बट कुछ क्वेश्चन जरूर क्वेश्चन बैंक से होंगे। जब आप क्वेश्चन पेपर देखोगे और अगर आपने ढंग से क्वेश्चन बैंक अच्छे से कर रखा है, तो आपको डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन दिखेंगे, पक्का क्वेश्चन दिखेंगे, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, पक्का क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। तो गाइज अगर आप लोग इस क्वेश्चन बैंक से करके जाते हो तो करीबन आपके 50-60-70% इजिली आ जाएंगे। अगर एक एक क्वेश्चन करके जाते हो तो 90 तो नहीं आएगा, 10th वाले बच्चों को साइंस मैथ्स में 90 मिल सकता है, बट 12th वाले बच्चों को तो मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो गाइस मैं आप सबको बता दूं कि करना क्या है इसका सॉल्यूशन, अगर आपको चाहिए स्टेप वन, मैं अभी करके भी दिखाऊंगा। मैं आपको वेबसाइट का नाम बता देता हूं, मैं ये कोई मतलब इसमें प्रमोशन ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे को पता चला तो मैं आपको बता देता हूं। स्टेप वन, आप ना shala.com में जाओ, और स्टेप टू वहां पे क्लास 10th क्लास 12th सभी का वहां पे क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोग को उस वेबसाइट में लेकर के चलता हूं। तो गाइज जैसे ही ना आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिक करोगे
तो उसमें से जैसे आप जाओगे तो आपको कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको ओपन होगा। यहाँ बहुत सारे एड वगैरह आते रहते हैं। यहाँ पे आपको देखो लिखा हुआ है कि SCERT महाराष्ट्र क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन फॉर क्लास 12th एंड SCERT महाराष्ट्र क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन फॉर क्लास 10th, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को देखो सीधा लिखा हुआ मिला है। अगर आप क्लास 10th के बच्चे हो तो 10th में क्लिक करो, अगर आप क्लास 12th के बच्चे हो तो 12th में क्लिक करो, ठीक है। तो सपोज दैट मैं क्लास 12th में अगर क्लिक करता हूं, देखो यहां पे सीधा आपको यहां पे दिख जाएगा, देखो फिजिक्स में, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ्स, यहाँ पे सबका सॉल्यूशन आप एक क्लिक करोगे। जैसे कि मान लो मेरे को फिजिक्स का चाहिए, मैं फिजिक्स में क्लिक कर दूंगा, थोड़ा सा एड भी आएगा, आप कट कर देना, ठीक है। अब आपको यहाँ पे सारे चैप्टर दिख जाएंगे, रोटेशनल डायनेमिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, और यहाँ पे पूरा एक्जैक्टली लास्ट चैप्टर 14 यहां तक। आप रोटेशनल डायनेमिक्स में क्लिक करोगे ना, देखो आपको पूरा यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे कि देखो पहला मतलब कैसा रहेगा जानते हो, पूरा क्वेश्चन बैंक में तो सारा चैप्टर का सॉल्यूशन दिया है, लेकिन इसमें ना रोटेशनल डायनेमिक्स के टोटल क्वेश्चन, देखो MCQ यहाँ पे देखो पूरा MCQ, इसका सॉल्यूशन व्यू सॉल्यूशन में क्लिक करोगे, डिक्रीज हिज मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी दिया है, आप वो क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं, जो भी आप पढ़ लो अच्छे से, तो पूरा MCQ प्लस उसका सॉल्यूशन सब कुछ इस वेबसाइट में आपको मिलेगा, चाहे केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, सब का क्वेश्चन बैंक का, क्लास 10th, क्लास 12th, सब का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन आप लोग को प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। तो आप लोग जाओ, बढ़िया एंजॉय करो और लिख लो अच्छे से, लर्न कर लो, याद कर लो, इंटरनेट रहेगा आपके इसमें तो मस्त इसमें आपको सारा का सारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माई डियर फ्रेंड्स। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, लाइक और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप लोग को सॉल्यूशन मिला कि नहीं मिला, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।